बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर इकाई ने बुधवार को चाइनीज सामान की होली जलाई और चीनी राष्ट्रपति का पुतला घुमारवी के गांधी चौक पर जलाया। ये कार्यक्रम बजरंग दल प्रांत संयोजक अधिवक्ता तुषार डोगरा की अगुवाई में संपन्न हुआ। घुमारवी के दुकानदारों को चाइनीज सामान को बेचने से होने वाले नुकसान और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पुतला जलाने से पहले बाजार में बजरंग दल द्वारा पत्रक वितरण भी किया गया तथा साथ में भारत के जो जवान शहीद हुए उनके लिए मौन रखकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर बजरंग दल की बिलासपुर इकाई ने चाइनीज सामान के बहिष्कार करने हेतु चाइना सरकार का शी जिनपिंग का पुतला दहन किया है और इस पुतला दहन करने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने पत्रक बांटा है। संपूर्ण व्यापारी वर्ग से निवेदन किया है और अपना आह्वान किया है कि चाइनीज सामान को खरीदने के लिए आप भी लोगों को प्रेरित न करें, न उनका सम्मान, न वो सामान मंगाएं, न उन्हें बेचने का कष्ट करें, क्योंकि भारत आज एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है, स्वदेशी की तरफ जा रहा है। हम बहुत बड़े सामान का प्रतिरोध तुरंत नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन हम छोटे सामान से उपयोग कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत सामान हमारा ऐसा है जो चाइनीज से प्रोडक्ट से बना हुआ है। हमारे देश के जवान आज बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्वदेशी का प्रयोग करके अपने पैसे को भारत में रखें, क्योंकि भारत का ये जो पैसा विदेश में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भारत माता के सपूतों का दहन हो रहा है, उनका दानव दलन वो लोग कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उस सब के हम लोग भी दोषी हैं। ये हम सभी देशद्रोह की भावना से ओतप्रोत ना होते हुए हम सभी लोग स्वदेशी का इस्तेमाल करने का प्रेरित करें। कुछ उदाहरण आपके समक्ष देना चाहूंगा। कुछ लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं हम LED नहीं तोड़ सकते, फोन नहीं तोड़ सकते। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या हम लोग यदि सुबह टूथपेस्ट करते हैं तो क्या विदेशी लेना जरूरी है? हम लोग डाबर का टूथपेस्ट ले सकते हैं, हम लोग पतंजलि का टूथपेस्ट ले सकते हैं, हम रसोई के अंदर प्रयोग करने वाले चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं, चाय पत्ती हम टाटा की प्रयोग कर सकते हैं, स्वदेशी प्रयोग कर सकते हैं। हमें बाइक खरीदनी है, हम बजाज की बाइक ले सकते हैं, हमें फोन खरीदना है, हम सैमसंग का फोन ले सकते हैं, हम LED खरीदना चाहते हैं, सैमसंग की LED खरीदते हैं। हम कम से कम अपने मन में प्रण ले कि सुबह से लेकर शाम तक यदि मैं कोई सामान खरीदूंगा तो स्वदेशी खरीदूंगा। उससे एक फायदा है, जब यहाँ से जो भी पैसा हमारे देश का कोई व्यापारी भाई कमाएगा वो अपने देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के काम ले आए। और इससे ज्यादा मैं यही आह्वान करूंगा कि जो व्यापारी वर्ग है वे भी एक पोस्टर लिख के लगाए, से नो टू चाइनीज फूड, से नो टू चाइनीज फूड। हमने मुहिम की है, हम ये अग्रसर कर रहे हैं लोगों को कि चाइनीज सामान का विरोध करें और अपने स्वदेशी भारत के द्वारा पैदा किया गया सामान, निर्मित किया गया सामान, उसमें रोजगार की भावना भी पैदा होगी। भारत का युवा एक समृद्ध युवा और सशक्त युवा के नाते खड़ा होगा। इस नाते आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदुस्तान भाई सही तो